हेलो फ्रेंड्स, तो ये चल रहा है हमारा रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें अभी हम लोग लेने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है, और केमिस्ट्री के इस सीरीज का आज आखिरी वीडियो है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो बच गए हैं वो हम लोग आज लेने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। आप पूरी सीरीज को अच्छे से देखो, ठीक है, और आप इनको याद रखो ताकि एग्जाम में ये आपको हेल्प दे सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आज का, N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैवर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है। ठीक है, तो आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है आप N2 और H2 मिलाकर आप क्या बनाते हो, आप बनाते हो अमोनिया। अब आपको यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ से तो यही बनता है कि हैवर विधि किसका है। हैवर विधि अमोनिया बनाने का है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब हैवर विधि में आप अमोनिया कैसे बनाते हो, N2 और H2 से। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपके हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन ये है जो पूछा गया है, इसमें उत्प्रेरक कौन सा यूज़ किया जाता है। उत्प्रेरक यूज़ किया जाता है लौह चूर्ण। ठीक है, अमोनिया बनाने के हैवर विधि में क्या यूज़ करते हैं आप यूज़ करते हैं लोहा या लौह चूर्ण। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है, तो वनस्पति घी जो होता है वह किससे बनाया जाता है, वह बनाया जाता है हाइड्रोजन से। किससे, हाइड्रोजन से। और इसका जो बनाने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजनीफिकेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीफिकेशन, और इसको बनाया जाता है हाइड्रोजन से। ठीक है, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी वायुयान के टायर में किस गैस को भरा जाता है, ये भरा जाता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा के साथ क्या होगा। ठीक है, जब हवा अंदर में रहती है तो ये गर्म रहती है, लेकिन जब हवा निकल जाएगी तब उसके बाद क्या होगा, तो वह धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। ठीक है, बाहर निकलने के साथ ही वो ठंडी हो जाएगी। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग करते हैं हम लोग, ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हो सोडा जहाँ पर आया तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, यह क्लोरोएसिटोफिनोन। क्या है, क्लोरोएसिटोफिनोन। और लाफिंग गैस किसको कहते हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, निम्न में से एक परमाणविक गैस कौन सा, यानी आइडियल गैस आपका कौन सा है वही पूछा जा रहा है। तो इनर्ट गैसेस को आप आइडियल गैस बोलते हो, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हीलियम। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हो, ये करते हो मीथेन का। ठीक है, तो मीथेन को जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो और उसको लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो दोनों को, तो उसके बाद बहुत सारा बाय प्रोडक्ट निकलता है, उसमें से एक होता है क्लोरोफॉर्म। तो आपने किसका यूज़ किया, मीथेन का और क्लोरीन का। ठीक है, और 400-500 डिग्री सेल्सियस पे आपने उसे हीट किया, तब आपका बाय प्रोडक्ट जो निकला उसमें से एक था क्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है, बेहोश करने के लिए प्रयोग में किसको करते हैं, ये करते हैं क्लोरोफॉर्म को। आप सबको पता है क्लोरोफॉर्म को हम लोग बेहोश करने के लिए प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है क्लोरीन में। ठीक है, आपका जो पानी का शुद्धिकरण होता है, यानी शुद्ध करके आपको जो घर पर सप्लाई पानी आता है उसमें से भी ब्लीचिंग पाउडर का थोड़ा बहुत यूज़ होता है उस टैंक को साफ करने के लिए, फिर नाला वगैरह को साफ करने के बाद ऊपर से उस पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है, तो वायु की संघटक गैसें सामान्यतः कौन कौन सी होती है, अब देखो जो भी ऑप्शन हैं उसमें से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, 78% तो आपका नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, तो लगभग यही दोनों मिलके मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ये दोनों है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ये सब आता है। ठीक है, गैस ज्वाला होता है, तो गैस ज्वाला कैसा होता है, ये होता है दीप्त। आग बुझाने वाली गैस है कौन सी, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, यह कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी आपके ऑप्शन हैं इसमें से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, यह कार्बन डाइऑक्साइड। लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है, तो लाल तप्त कोक पर जब आप भाप प्रवाहित करते हो तो आपको क्या मिलता है, जल गैस मिलता है, सुबह भी हम लोगों ने देखा था। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, मैंने आपको बताया था एक बार कि गुब्बारे में आपको बोल के देता है कि वो हाइड्रोजन गैस है, लेकिन उसके अंदर कौन सा गैस भरा हुआ होता है, वो होता है हीलियम। ठीक है, हीलियम को हम लोग मेनली हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए, बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हीलियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो गुब्बारे में आपका कौन सा गैस भरा होता है, वो भरा होता है हीलियम।
निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन चक्र में भाग नहीं लेता है? नाइट्रोजन चक्र में कौन भाग नहीं लेता है? CO2 भाग नहीं लेता है। गैस टरबाइन आधारित है, तो गैस टरबाइन किस पर आधारित है? यह है ब्रेटोन चक्र पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो, गैस टरबाइन किस पर आधारित है? यह है ब्रेटोन चक्र पर आधारित। निम्नलिखित को गर्म करने पर N उत्पादित होती है, N यानी नाइट्रोजन उत्पादित होती है, तो किसको आप गर्म करोगे? जो नाइट्रोजन आपका उत्पादित होगा वो है NH4Cl+NaNO2। ठीक है, NH4Cl+NaNO2 को आप जब गर्म करोगे तो आपको N मिलेगा। ठीक है, जल का विशुद्ध रूप कौन सा है? तो जल का विशुद्ध रूप कौन सा होता है? ये होता है वर्षा का जल, यानी सबसे शुद्ध जल जो आपको मिलेगा वो मिलेगा वर्षा के जल में। ठीक है, और आपको कहीं नहीं मिल सकता है। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि आपका हार्ड वाटर जो होता है, जब आप सॉप के साथ उसे मिलाते हो तो आप देखते हो झाग यानी फॉर्म नहीं उठता है। क्या कारण क्या है उसका? कारण यह है कि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण होते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फाइड होते हैं, जिसके कारण से आपको उसमें पर्याप्त झाग नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। कठोर जल के संबंध में कौन सा गलत है? तो कठोर जल के संबंध यानी हार्ड वाटर के संबंध में आपको बताना है कौन सा गलत है। झाग नहीं बनाता, ये बिल्कुल सही है। साबुन अधिक घिसता है, ये भी सही है, अगर झाग नहीं बनेगा साबुन अधिक घिसेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट की उपस्थिति, ये भी सही है। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम या तो इसका सल्फाइड हो सकता है या बाइकार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति कारण वह वाटर हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है। आयरन पाइराइट की उपस्थिति, ये गलत है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हार्ड वाटर में आयरन पाइराइट नहीं होता है। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाले जल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कठोर जल। ठीक है, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है वह क्या कहलाता है? अब आपको यहाँ पे यही नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा झाग नहीं देता है, आपको ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा पानी है जो अधिक झाग देता है, तो उसको बोलते हैं मृदु जल या सॉफ्ट वाटर। ठीक है, मृदु जल या सॉफ्ट वाटर। तो इसमें जो भी वो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सल्फेट्स, ठीक है, वो सब जो अवेलेबल होते हैं हार्ड वाटर में, वो इसमें नहीं होता है, जिसके कारण से यह शीघ्रता से झाग देता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है CaHCO3H2। क्या होता है? CaHCO3H2, ये होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम। क्या होता है? CaHCO3H2। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं है? खारे पानी में कौन सा उपस्थित नहीं होता है? कैल्शियम होता है, एल्यूमिनियम ये नहीं होता है, सोडियम होता है, क्लोरीन होता है। तो खारे पानी में कौन सा उपस्थित नहीं होता है? ये होता है एल्यूमिनियम, जो उपस्थित नहीं होता है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? तो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से। ठीक है, जल की कठोरता किसके कारण होती है? अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि आपको कहीं पे केमिकल नेम दे दिया जाएगा, कहीं पे उसका जो वर्ड में लिखा हुआ होता है वो देगा, कहीं पे आपको फॉर्मूला देगा। ठीक है, तो आपको दोनों तरह से याद रहना है। अब इसमें देखो क्या बोल दिया है, इसमें बोला है कि किसके कारण से कठोरता होता है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है केमिकल फॉर्मूला, तो किसके कारण से ये होता है? ये होता है CaHCO3H2, CaHCO3H2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3H2, इसके कारण जल कठोर होता है। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण इनमें से आपका क्या हो सकता है? यह है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब देखो, अस्थायी और अस्थायी कठोरता क्या है? कठोरता तो हम लोगों ने देखा कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट सल्फाइड, ठीक है, ये सब रहेगा तो वो कठोर वाटर होगा यानी हार्ड वाटर होगा। लेकिन टेम्प्रेरी और परमानेंट दो तरह का हार्डनेस होता है। अब देखो, टेम्प्रोरी वो हुआ जिसमें आपका कैल्शियम या मैग्नीशियम का कार्बोनेट्स होगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बोनेट्स, जिसको हम लोग बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, कार्बोनेट बोल सकते हैं। तो अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट्स हुआ तो ये आपका बॉइलिंग करने से यानी बॉयल करने से आपका हट जाता है, यानी ये हार्डनेस खत्म हो जाता है, जिसके कारण से हम इसको बोलते हैं टेम्प्रेरी। लेकिन परमानेंट जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट होता है, तो जिसके कारण से वो क्या होता है? वह बॉयल करने से खत्म नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा था? यहाँ पे पूछा जा रहा था अस्थायी कठोरता का कारण। तो अस्थायी कठोरता, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या हो सकता है? ये हो सकता है
हाइड्रोकार्बोनेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कैसी होती है? तो मैंने अभी क्या बोला, उबालने से अगर दूर हो गया तो उसको बोलते हैं अस्थाई। ठीक है, अगर उबालने से दूर नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे अस्थाई। अस्थाई में क्या होता है, अस्थाई में आपका होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का हाइड्रोकार्बोनेट्स। ठीक है, और अस्थाई में क्या होता है, ये होता है कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट। ठीक है, जो बॉयल करने से दूर नहीं होता। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चंस जो भी बचे हुए थे इन सीरीज में। ठीक है, आज आपका ये सीरीज अब पूरा होता है। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।